रात को नींद नहीं आने का एक बड़ा कारण, एक अब्जोपति व्यक्ति की घटना। करोड़ों कमा लेने वालों को रोड़ों पर चलने वाले बहुत ही तुच्छ लगते हैं, यह हमें अक्सर देखने को मिलता है। पैसे वालों के पैर लगभग जमीन को छूते नहीं और वे खुद को देवता मानते हैं, इसलिए उनको किसी का अपमान करना बहुत आसान हो जाता है। पर हम जिस करोड़पति व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं था। उसे हर व्यक्ति के प्रति प्रेम था और वो किसी का दुख मात्र भी देख नहीं सकता था। एक बार वो रास्ते से जा रहा था, उसका घर से निकलते वक्त ही पत्नी के साथ किसी बात को लेकर मीठा झगड़ा हुआ था, इसलिए वो थोड़ा व्यग्र था। रास्ते में एक भिखारी उसके पास आया और उसने उसके पास पैसे मांगे। व्यग्र होने की वजह से उसने भिखारी को किसी भी प्रकार का प्रतिभाव यानी कि रेस्पॉन्स नहीं दिया। ज्यादा बार मांगने के कारण व्यक्ति को गुस्सा आ गया और उसने उसे सिर्फ दो कटु शब्द कह दिए। समय बीता, वो अपना काम पटाकर घर पहुंचा और रात होने पर उसने सोने की तैयारी की। उसका हर रोज का नियम था कि सभी जीवों के साथ मिच्छामि दुक्कड़म मांग कर ही सोना। उसने वो रोज की प्रक्रिया पूरी की और वो सो गया। सोने पर बहुत प्रयत्न करने पर भी उसे नींद नहीं आई। वो गाड़ी पर बैठकर सोचने लगा। उसे भिखारी याद आ गया। वो तुरंत ही गाड़ी में बैठकर भिखारी को ढूंढने के लिए निकल गया। बहुत ढूंढने पर सुबह 4 बजे भिखारी उसे मिला। उसने भिखारी के पैर पकड़कर माफी मांगी और अच्छी चीजों से उसका सत्कार किया। वो घर आया और गाड़ी पर लेटा, तुरंत ही उसे नींद आ गई। गुरु भगवंत पूछते हैं कि झगड़े तो हमारे लिए हर रोज के हैं, पर क्या हम सबसे क्षमापना कर पाते हैं? और नींद नहीं आने पर हम कभी सोचते हैं कि क्यों नींद नहीं आती? हमारी नींद हराम होने का एकमात्र कारण हमारे हृदय में भरा हुआ जहर है, और जहर वैर से नहीं क्षमापना से ही दूर हो सकता है। इसीलिए हर रोज रात को सोते वक्त करने की प्रार्थना श्री आउर पचखांड पयन्ना में बताई गई है कि मैं सभी जीवों को क्षमाता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। हमारी नींद खराब हो रही हो तो खास सोचना है कि क्या हमारा किसी के साथ वैर है क्या, हमें सच का पता लग जाएगा। जय जिनशासन, जय महावीर।